और साथ साथ उसके पेशेवर रवैये में भी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई हाई कोर्ट पर छोड़ दी और शाहीन बाग के मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च तय कर दी। अब कल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन जस्टिस मुरलीधर की जगह चीफ जस्टिस डीएन पटेल बेंच में होंगे। आज उनकी गैर हाजिरी में जस्टिस मुरलीधर सुनवाई कर रहे थे। देखना है कि हाई कोर्ट का रुख अब गुरुवार को क्या रहता है। हम दिल्ली के अंदर कोर्ट और पुलिस के रहते दूसरा 1984 नहीं देख सकते। दिल्ली हाई कोर्ट की ये गंभीर टिप्पणी अगर जिम्मेदार लोग समझ लें तो शायद फिर कोर्ट को इतनी गंभीर और बड़ी टिप्पणी करने की जरूरत ना पड़े। दिल्ली हाई कोर्ट से अपने सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।